दोस्तों एलपीजी घर रसोई गैस सिलेंडर आज सुबह सुबह ही खबरें आई है। महीने के पहले ही दिन सुबह सुबह आई खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती। आपने खबरों में न्यूज में पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर दाम में भी बड़ी कटौती दी है। आपने न्यूज में खबरों में देखा ही होगा कि 100 रुपए सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर, लेकिन इसका फायदा सभी लोगों आम लोगों को नहीं मिलने वाला। आइए देखते हैं आखिर 100 रुपए सस्ता का बेनिफिट किन किन लोगों को मिलेगा और गैस सिलेंडर के घरेलू और कॉमन सेंस के अलग राज्य में रेट की चल रही है। इसके अलावा नई अपडेट, दुनिया की सरकार ने 1 अगस्त के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए। घर चलाना और खाना बनाना महंगा होगा, अब देख ही सकते हैं सरकार ने 1 अगस्त के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए दिए और इसमें कितनी बढ़ोतरी की है ये तो आप देख ही सकते हैं। जो जुलाई में 7.85 डॉलर पर बढ़ाकर 7.85 मिल बूट कर दिया गया है और इंडियन रूप के हिसाब से देखा जाए तो 615 से बढ़कर 635 कर दिया है। घरेलू नेचुरल गैस के दाम पे अब सरकार ने 1 अगस्त से कॉमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो का था उसमें सरकार ने 100 रुपये डायरेक्ट कटौती की है। और इस कटौती के बाद अब देखिए दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 1680 रुपये में मिलेगा, कोलकाता में 1802.50 रुपये में और मुंबई में 1640.50 रुपये और चेन्नई में 1852.50 रुपये मिलेगा। इस दौरान देश की पेट्रोल डीजल के भी दाम अब बढ़ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं राजधानी दिल्ली में 96.72 पेट्रोल प्रति लीटर और डीजल है 91.76 प्रति लीटर चल रहा है। इसी तरह मुंबई भोपाल जयपुर सब के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल डीजल की भाव अभी कॉमर्शियल सिलेंडर के मुताबिक बातें हो गई है तो मैंने आपको इसके रेट बता दिए हैं ना। तो आपके मन में इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह न्यू अपडेट में।